तो फाइनली हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए, और इसीलिए आज की ये जो वीडियो है ये Q&A वीडियो होने वाली है, जिसमें कि मैं तुम्हारे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले दो ही चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले तो थैंक्स फॉर 10K, और इस वीडियो में अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। वैसे मैंने पूरी पूरी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की, लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं आता है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन से, जैसे कि मेरा नेम। तो मेरा नेम है इरफान और मेरी अभी एज 15 ईयर्स है। अब मैं क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ, हालांकि क्लास 9 अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि मैं 10th में ही चला जाऊँगा। और मैं महाराष्ट्र पुणे में रहता हूँ। तो अब आते हैं तुम्हारे पूछे हुए क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है MSM गेमिंग ने, तो ये पूछते हैं कि आखिरकार एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में सारे बेन सिर्फ एक ही एलियन में क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर तो अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन और मुझे लगता है कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा जल्दी में बनाया गया है, इसीलिए इस मूवी के लिए ज़्यादा एलियंस को डिज़ाइन नहीं किया गया होगा, और इसीलिए जितने भी एलियंस को डिज़ाइन किया गया था उन्हें ही बार बार इस मूवी में दिखाया जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुरुषार्थ धर ने, तो ये पूछते हैं कि आखिरकार मैंने अपने चैनल बनाने के बारे में कैसे सोचा था। तो देखो मैंने अपना चैनल जो है वो ऐसे ही क्रिएट कर लिया था, मैं बस कुछ यूट्यूबर्स को देखता था और ऐसे ही चैनल बना लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेश पाटिल ने, तो ये पूछते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट एनिमी बेंटेन के अलावा, डोरेमोन, शिनचैन या फिर पोकेमोन। तो देखो मुझे यहाँ पर डोरेमोन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बचपन में सबसे ज़्यादा डोरेमोन ही देखा करता था, इसीलिए मुझे डोरेमोन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट बेंटेन कैरेक्टर बेंटेन के अलावा, तो देखो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है केविन, हालांकि ओमनिवर्स वाला केविन बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड देन इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट पोकेमोन कैरेक्टर, तो देखो मुझे पोकेमोन में सबसे ज़्यादा ब्रॉक पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्फर्नो ने, और ये पूछते हैं विच 3 एलियन कैन बीट एलियन एक्स। तो देखो ऑफिशियली बताया नहीं गया है कि वो 3 एलियंस कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यश ने, और ये पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अपने चैनल का नाम ओमनिवेंजर क्यों रखा। अब देखो मैंने अपने चैनल का नाम ओमनिवेंजर ऐसे ही रख लिया, मतलब कि तुम्हें पता ही होगा कि ज़्यादातर बेंट्यूबर्स जो है वो अपने नेम के आगे ओमनी लगाते थे, देन मैंने भी यही लगा दिया। एंड वेंजर जो है वो मैंने अवेंजर से लिया है, तो इसी को मिलाकर मैंने ओमनिवेंजर नेम रख लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पॉकेट 10 ने, अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बगैर कोई भी Q&A हो ही नहीं सकता, और ये अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है, और ये है मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सारिका मुकर ने, तो ये पूछते हैं कि क्या आप नारुतो देखते हो। तो देखो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने नारुतो देखना स्टार्ट किया है, और अभी लगभग मैंने 45 एपिसोड देख लिए हैं। और ये पूछते हैं कि अगर आप नारुतो देखते हो तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जोशीला फुर्तीला नारुतो। अब देखो जो नारुतो की बैक स्टोरी है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और इसीलिए नारुतो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजवीर सिंह ने, और ये पूछते हैं कि आखिरकार आपने बेंटेन का चैनल स्टार्ट करने के बारे में कैसे सोचा। तो देखो मैं पहले पोकेमोन के ऊपर वीडियो बनाता था, लेकिन कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे। देन सडनली मैंने एक बेंटेन के ऊपर वीडियो बनाई और उसके ऊपर 50 व्यूज़ आ गए, और जिसके बाद मैंने बेंटेन के ऊपर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें पता होगा कि बीच में ही बेंटेन जो है वो ट्रेंड कर गया था, और तभी से मैंने बेंटेन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने बचपन में बेंटेन बहुत देखा है, और इसीलिए मुझे बेंटेन से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी थी। और इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आखिरकार तुम रेगुलर वीडियो कैसे बना लेते हो। तो देखो अब इस पैंडेमिक के चलते जो हमारे स्कूल है वो बंद हो चुके हैं, और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, और इसीलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे वैसे ही मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने के बाद वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और इसीलिए मैं अभी वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोनी ब्रदर्स ने, दिस और दैट, अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स, अल्टीमेट एलियन, केविन गोयन और रूक, केविन गोयन, काय और जूली, जूली, बीइंग सिंगल और हैविंग जीव, बीइंग सिंगल। अब रैपिड फायर, फेवरेट बेंटेन 1000, अल्टीमेट बेंटेन 1000, फेवरेट एलियन एवर वेबिक, फेवरेट विलन एवर विलगैक्स, अदर बेंटेवर्स की वीडियो देखते हो।
हाँ भाई, अदर बेन ट्यूबर्स की वीडियो देख देख कर तो आइडिया लेता हूँ कि वीडियो कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज कुमार का, टून यूनिवर्स पर वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई? तो देखो, टून यूनिवर्स मेरा सेकंड चैनल है और वहाँ पर मैं एकदम ही इनएक्टिव हूँ। अब देखो, टून यूनिवर्स पर जल्दी ही वीडियो आएगी और मैं सोच रहा हूँ कि टून यूनिवर्स पर 3 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। अब टून यूनिवर्स पर मैं पोकेमोन से और एनिमे से रिलेटेड कुछ कंटेंट अपलोड करा करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुशांत परते ने, तो ये पूछते हैं कि आपने अपना चैनल कब क्रिएट किया था? तो देखो, मैंने चैनल बहुत पहले ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही क्विट कर दिया था क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। देन मैंने फिर से एक बार नवंबर से स्टार्ट किया और हमारे अब 10K हो गए। देन इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से 17 का इन्फॉर्मेशन लाते हो? फैंडम से और कहाँ से? देन इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरकार आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो अपनी वीडियो बनाने के लिए? तो मैं पहले काइनेमास्टर का यूज़ किया करता था और जिसके बाद मैं अब पावर डायरेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्लेक्स फोर्स रेसलिंग ने, तो इनका क्वेश्चन है डू यू वॉच एनिमे? तो बहुत कम ही एनिमे देखे हैं। डू यू थिंक बेंटेन इज ओवर पावर्ड? तो हाँ, मुझे बेंटेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड लगता है, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है जिससे वो पूरे यूनिवर्स को काफ़ी आराम से तबाह कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच माइक यू यूज़? तो मैं अपने मोबाइल का ही माइक यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे पास अभी कोई माइक नहीं है। हाउ इट फील व्हेन यू क्रॉस 1K सब्सक्राइबर्स एंड 10K सब्सक्राइबर्स? तो देखो, मुझे अच्छी फीलिंग हुई, मतलब कुछ ज़्यादा भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि 1K और 10K करना इतना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हाँ, अगर 100K होते हैं देन वो बहुत बड़ी बात है। तो अब आखिरी क्वेश्चन है मलिक वसीम का, देन ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को हरा सकता है? तो देखो, जो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी है उसके स्ट्रेंथ लेवल बहुत है और इसीलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देगा। लेकिन स्पाइडर मंकी की जो रिफ्लेक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े कम ही चांसेस है कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को हरा दे। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेंटेन के टूथपेस्ट में नमक है? तो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बेन से ही पूछना पड़ेगा। तो बेन, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक रैपिड फायर है, नारुतो और सास्के नारुतो, गोको और वेजिटा गोको, एल और लाइट एल, मार्वल और डीसी मार्वल, पिज्जा और बर्गर पिज्जा, क्लासिक और एलियन फोर्स क्लासिक। तो फाइनली मैं कुछ कॉमन से क्वेश्चन से इसका एंड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं फेस रिवील कब करूँगा? तो देखो, जब मेरे 100K हो जाएंगे तब मैं फेस रिवील कर दूंगा। और रही बात मेरी फेवरेट सीरीज़ की, तो देखो, मेरी बेंटेन की फेवरेट सीरीज़ है क्लासिक सीरीज़। और तुमने ऐसे ही बहुत सारे ऑसम से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों के ही क्वेश्चन ले पाया हूँ और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। और अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, एंड देन नेक्स्ट Q&A में तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और नेक्स्ट Q&A शायद से हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय।